हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉफ़ी अक्रूडा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट PQRS सिम्टम, जैसे कि बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशन, पेशेंट जब भी एक्साइटेबल होता है तुरंत उसके लक्षण आने लगते हैं, जितने भी कंप्लेन होते हैं एग्रीवेट हो जाते हैं, किसी भी छोटे छोटे चीज़ का सडन एक्साइटमेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिहेव करता है, काफ़ी ओवर सेंसिटिव रहता है टच से, प्रेशर से, और थोड़ा सा भी साउंड सुनाएगा उसको इतना एग्जेजरेट करके साउंड समझ में आएगा कि लगेगा कि उसका कान फट गया, इतना ज़्यादा सुनाई देगा। और जब भी उसको दांत में दर्द होता है तो पेशेंट चाहता है कि ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी, या फिर आइस अपने दांत में दबाए, और जब ऐसा आइस दबाता है तो उसे आराम मिलता है, और जैसे ही आइस पिघलने लगता है, गर्म होने लगता है, उसके एग्रीवेशन हो जाते हैं, कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। इसके साथ और भी इसके मेंटल कंप्लेंट, फिजिकल पर्टिकुलर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी डिस्कस करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, कॉफ़ी अक्रूडा मेडिसिन के प्रूवर जो थे वो डॉक्टर हैनीमैन थे। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने दिनों तक काम करती है, तो 1 to 2 days। आज अगर देते हैं तो आज ही या फिर कल तक इसके ड्रग के जो एक्शन रहते हैं वो पेशेंट में दिख जाएंगे। साथ में ये बैकग्राउंड इसका क्या होगा, मायजम, तो सोरा मायजम होता है। पेशेंट जो भी सोरिक पेशेंट होते हैं उनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका सोर्स होता है वेजिटेबल किंगडम, और सिनोनिम इसको और नाम से क्या बोलते हैं, तो अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन। जो रोस्टेड कॉफ़ी बीन होता है वो कॉफिया टोस्टा होता है, और ये अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन, इसलिए इसको कॉफी अक्रूडा बोलते हैं। इसकी फैमिली रूबिएसी फैमिली होती है, और ये पेशेंट काफी चिली होते हैं, यानी कॉफी अक्रूडा जिसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसका अगर थर्मल की बात करेंगे तो पेशेंट बहुत ही ज्यादा चिली होगा। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स की। उससे पहले नैश ट्रायोज जो होता है, नैश ट्रायोज ऑफ पेन, तो पेन की 3 रेमेडी होती है जो कि कॉफी अक्रूडा उसमें से एक है, बाकी 2 एकोनाइट और कैमोमिला। इसके बाद कॉफी टोस्टा, जो मैंने आपको बताया कि जो कॉफ़ी बीन होता है उसको रोस्ट कर देते हैं, तो रोस्ट करने के बाद जो कैफीन होता है, कैफीन मिथाइलामाइन में चेंज हो जाता है, इसलिए वो जो फ्लेवर होता है, जो उसका अरोमा होता है वो बढ़ जाता है, तो वो कॉफिया टोस्टा होता है। और अनरोस्टेड जो कॉफ़ी बीन होते हैं उससे कॉफिया क्रूडा बनाया जाता है। अब इसका जो सीड होता है उसी से हम इसका मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं, बाद में इसको फर्दर डाइल्यूट करके डाइल्यूशन फॉर्म में चेंज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले, कॉफी अक्रूडा पेशेंट कैसे होते हैं, तो टॉल, काफ़ी बड़े होंगे फॉस्फोरस की पेशेंट की तरह, लेकिन लीन होंगे, स्टूपिंग विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनका चेहरा या फिर पूरा बॉडी देखेंगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखेगा आपको। उसके बाद से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इमेशिएटेड भी कभी कभी दिखता है, मतलब उनको खाने पीने की काफ़ी जल्दी होती है, कोई भी चीज़ जल्दी खाना पसंद करते हैं, तुरंत ख़त्म हो जाए ऐसी चीज़ों को वो पसंद करते हैं खाना। उसके बाद दोस्तों स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ इसका काम आता है, तो सेरिब्रम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, किडनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साथ में सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम में ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करता है। अब दोस्तों ये सारी हो गई इसकी जनरल बातें, अब इसके मेंटल की बात कर लेते हैं, मेंटली पेशेंट कैसा होता है। अब अगर ऐसा लक्षण आपको मिले तो ज़रूर कॉफी अक्रूडा उसमें प्रिस्क्राइब करिए। मेंटली में बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशन, जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले ही बताया कि जरा भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ होगी, वो एक्साइटमेंट वाली ना भी हो उसमें पेशेंट एक्साइटेड हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जैसे ही एक्साइटेड होगा उसके जस्ट बाद इसके कंप्लेन अराइज हो जाएंगे, या फिर कंप्लेन रहेंगे वो एग्रीवेट हो जाएंगे। सरप्राइज पेशेंट काफ़ी ज़्यादा, कुछ भी आप उसको बोलेंगे वो एकदम सरप्राइज होके, जैसे छोटी छोटी बातें पेशेंट को बोली जाती हैं, या फिर किसी से भी आप बात करते हैं तो कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लेके, ये कॉफी अक्रूडा पेशेंट वैसे ही होते हैं। वीपिंग अल्टरनेट विथ लाफिंग, ये सिम्टम काफ़ी मार्क होता है, तुरंत हंसेंगे, हंसने के जस्ट बाद रोना स्टार्ट कर देंगे, तो वीपिंग अल्टरनेट विथ लाफिंग ये देखने को मिलता है। ये सिम्टम सेम एनाकार्डियम के भी पेशेंट में, एनाकार्डियम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। साथ में अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, यहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी यानी नॉर्मल हम मेंटली जो भी काम रहता है वो हम करते हैं, फिजिकली जो भी काम रहता है करते हैं, लेकिन कॉफी अक्रूडा का पेशेंट अनयूजुअल काम करता है, जो उसकी नीड नहीं है वो भी काम करता है। साथ में मेंटल, उसका मेंटली एक लाइन दी गई है एलेंस की नोट और काफ़ी मटेरियल में है कि मेंटली जो पेशेंट होते हैं उनकी मेमोरी काफ़ी वीक हो जाती है, तो मेमोरी बिकम वेरी अक्यूट, ये लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर मॉर्निंग में कोई पेशेंट कोई चीज़ को सुना, देखा या पढ़ा, तो रात होते होते मिडनाइट, ये भी लाइन है कि मिडनाइट तक इवापोरेट हो जाएगा, शाम से मिडनाइट के बीच में ख़त्म हो जाएगा, फिर कल आप उससे पूछेगा तुरंत भूल जाएगा, मतलब उसको याद नहीं रहती है। तो इसका जो मेमोरी होता है काफ़ी ज़्यादा अक्यूट होता है। एक्साइटमेंट एज ए हरीड, अगर कॉलेज जाना हो तो बहुत ही ज़्यादा हरी में रहेगा कि जल्दी हमको कॉलेज जाना है, जल्दी जाना है,
तो कॉलेज हो गया कि इम्पोर्टेंट वर्क है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, अब कहीं नीचे जाके कुछ सामान खरीदना है तो उसमें जल्दी करेगा, बाहर जाना है उसमें जल्दी करेगा, किसी भी चीज़ में हरीड बहुत ही ज़्यादा मार्क होता है। आपने नोटिस किया होगा आपके आजू बाजू या फिर कहीं भी, कोई भी आदमी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी फास्ट कहता है जल्दी करो, मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी जाना है, ये दे दो वो दे दो, मुझे बहुत जल्दी काम है, अर्जेंट काम है। तो ऐसे जो जल्दीबाजी वाले पेशेंट होते हैं वो कॉफ़ी या क्रूडा के पेशेंट होते हैं, काफ़ी मार्क सिम्टम है ये, याद रखिएगा। फिर उसके बाद से फियर ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ पेन, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है कि मैं मेरी मौत ना जाए, मुझे मेरा डेथ ना हो जाए, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो फियर ऑफ डेथ काफ़ी बना रहता है। और उसके वजह से जो पेशेंट को पेन होता है, मैंने आपको पहले बताया ओवर सेंसिटिवनेस काफ़ी मार्क होता है, तो पेन से बहुत ही ज़्यादा पेशेंट घबराता है। इसका एक और सिम्टम है, लाइन दी गई है कि नाउ जॉयनेस, तुरंत मतलब खुशी रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, उसके जस्ट बाद ग्लोमी हो जाएगा, मतलब रोना स्टार्ट कर देगा, वीपिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगा। जैसे कि अल्टरनेटिंग सिम्टम कौन सा था, अल्टरनेटिंग था कि वीपिंग अल्टरनेट विथ लाफिंग, वैसा ही ये भी है, जॉयनेस अल्टरनेट विथ ग्लोमी, ये भी सिम्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों एक पाल्पिटेशन, जब पेशेंट थोड़ा भी वर्क करेगा ना मेंटली या फिजिकली तो नर्वस पाल्पिटेशन होने लगेगा, ये मार्क सिम्टम है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल ग्राइंडिंग सिम्टम की बात कर लेते हैं। ओवर सेंसिटिवनेस मैंने बताया, तो ओवर सेंसिटिवनेस में साइट, थोड़ा भी ब्राइट अगर चीज़ हो जाए, अगर घर में एक बल्ब लगाए, अगर दूसरी बल्ब जला दिया जाए तो उससे तुरंत उसको पेशेंट घबराने लगेगा, चीखने चिल्लाने लगेगा, मतलब सेंसिटिव होता है, लाइट से सेंसिटिव होता है, नॉइस, छोटी छोटी चीज़ें अगर थोड़ा भी आवाज़ हो उससे ज़्यादा घबरा जाएगा, सीपिया के पेशेंट की तरह। फिर स्मेल, अरोमा, कहीं से भी खाने की खुशबू आई वो भी बर्दाश्त नहीं होता है पेशेंट को, उससे भी हटना चाहेगा, भागना चाहेगा। टेस्ट से ओवर सेंसिटिव होता है, टच से ओवर सेंसिटिव होता है, और ये सारे लीड्स टू पेन, मतलब ये सब चीज़ जब होगा तो उसको उससे पेन होगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबराता है। पेन इज़ अनबियरेबल, छोटी से छोटी चोट भी पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होती, इतना ज़्यादा उसको पेन होता है। स्लीपलेसनेस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्लीपलेसनेस, इम्पॉसिबल टू क्लोज दी आई, ये पेशेंट का सिम्टम है। पेशेंट को सोने जब जाएगा तो आँख बंद ही नहीं कर पाएगा, अपने ख्यालों में खोया रहेगा, उसको सोने को मन ही नहीं करेगा, जबकि उसको नींद लगी रहेगी लेकिन उसके बाद भी नहीं सो पाएगा, तो स्लीपलेसनेस काफ़ी मार्क सिम्टम है। उसके बाद कोई भी चीज़ खाने की बात रही तो जल्दी जल्दी, हैस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फास्ट खाता है, एब्रोटिनम की पेशेंट की तरह, सल्फर की पेशेंट की तरह, ये बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहता है। अब दोस्तों इसकी पर्टिकुलर हेडेक कंप्लेन की बात कर ली जाए, हेडेक कैसे होता है, क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट में अगर दिखे तो तुरंत कॉफ़ी या क्रूडा प्रिस्क्राइब करिए, बहुत आराम मिलेगा। पेशेंट क्या बोलेगा आपको आने के बाद क्लिनिक में, कि उसको पेन हो रहा है, पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और लग रहा है कि नाखून से ये चुभोया जा रहा है दिमाग में, ब्रेन में, पेन एज इफ नेल इज़ ड्राइविंग इन द ब्रेन, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। और जो ब्रेन होता है टॉर्न हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है कई पीस में, ऐसे पेशेंट को फील होता है। और ये सिम्टम एग्रीवेट हो जाता है जब भी वो बाहर जाता है ओपन एयर में, या फिर किसी के बारे में सोचता है या बात करता है, तो ये तीन चीज़ों से, ओपन एयर, थिंकिंग और टॉकिंग, ये तीन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इसका हेडेक एग्रीवेट हो जाता है। उसके बाद अब टूथेक की बात करते हैं, दांत में जब दर्द होगा तो वो टाइम पेशेंट क्या करेगा, तो आइस जो होता है एकदम ठंडा आइस को होल्ड करेगा दोनों दांतों के बीच में, तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलेगा। और जैसे ही वो आइस पिघलता जाएगा, गर्म होता जाएगा, पेशेंट का एग्रीवेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा टूथेक। अब दोस्तों ये हो गया हेडेक कंप्लेन और टूथेक की बात। अब जनरल हम इसकी मोडालिटीज़ की बात करते हैं, किससे पेशेंट को आराम मिलता है, किससे पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ जाती है, तो एग्रीवेशन, तकलीफ़ें बढ़ जाती है, एक्सेसिव इमोशन, जब भी एक्साइटेड हो गया वो टाइम पे पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, नारकोटिक्स, किसी भी तरह का नशा करेगा तो उसका एग्रीवेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्मेल से, टच से, किसी भी चीज़ का सेंसिटिव वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टच से, स्मेल से, लाइट से, ये सारी चीज़ों से उसका एग्रीवेशन हो जाएगा। और आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के बाद उसको एग्रीवेशन होता है, कंप्लेन बढ़ जाती है। अब बेटर, किससे आराम मिलता है, तो आइस का टुकड़ा जब अपने दांतों के बीच में दबाएगा तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जब सोने की कोशिश करता है नींद नहीं आता है, बट जब सो जाता है फाइनली, तब उसको पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। अब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एक मेडिसिन है एकोनाइट, कॉफ़ी या क्रूडा के साथ एकोनाइट प्रिस्क्राइब करी जाती है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन सिम्टम के अकॉर्डिंग तो बहुत ही इफेक्टिव काम आता है। अब एंटीडोट, किस किस चीज़ से ये एंटीडोट किया जा सकता है, तो कैमोमिला, इग्नेशिया, नक्स वोमिका और जितने भी वेजिटेबल किंगडम के ड्रग हैं उनसे इसको एंटीडोट कर दिया जाता है। तो मोस्टली कॉफ़ी या क्रूडा को सिंगल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों इसकी डोज की बात कर ले तो सिंगल डोज बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट होता है, एक डोज 30 या 200 के पावर में प्रिस्क्राइब करिए, बहुत इफेक्टिव काम आएगा।
आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से रेमेडी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए रेमेडी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।